देश में 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पूरा होने पर नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने कहा, मोदी है तो मुमकिन है। विधायक जालम सिंह पटेल ने गोटेगांव के शासकीय अस्पताल पहुंचकर सभी हेल्थ वर्कर्स को सम्मानित किया। आपको बता दें कि चीन के बाद भारत सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला दूसरा देश है। इस महान उपलब्धि पर गोटेगांव में भी जनप्रतिनिधियों, हेल्थ वर्कर्स एवं आमजनों में जश्न का माहौल है। विधायक ने टीकाकरण में योगदान देने वाले सभी हेल्थ वर्कर्स, अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ टीका लगवाने वालों का आभार जताया। साथ ही जिन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाया उनसे अपील की है कि वह ठीक समय पर दूसरा डोज अवश्य लगवा लें। विधायक जालम सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आलोचकों की चिंता न करते हुए कोरोना महामारी की जंग को जीता है। जहां स्वदेशी अभियान के अंतर्गत 8 माह में वैक्सीन का निर्माण हो गया, वहीं 9 माह में 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पूरा कर महान उपलब्धि हासिल की गई। मोदी है तो मुमकिन है, यह कोरोना के काल में यह सिद्ध हो गया है। तो मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने जितने भी आलोचक हैं उनकी चिंता न करते हुए जो कोविड की जो महामारी थी उससे उन्होंने जंग को उसने जीता है। और 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन हुआ है, देश की जनता ने भी सहयोग किया है। शुरुआती दौर में ज़रूर कांग्रेस के बंधु, विपक्षी और देश विरोधी ताकतों ने उसका विरोध किया और WHO ने मान्यता नहीं दी जो हमारी वैक्सीन थी, स्वदेशी वैक्सीन है। और 9 महीने के अंदर वैक्सीन लग गई, 9 महीने के अंदर 8 महीने के अंदर देश में वैक्सीन भी बन गई। दो चीज़ बड़ी देश में, स्वदेशी की हम बात करते हैं, आदरणीय मोदी जी ने आज देश को संबोधित किया है। उन्होंने के पहले विदेशों में दूसरे देश की बात की जाती थी, दूसरे देश के उत्पादों की, अब स्वदेशी की बात की जा रही, भारत इंडिया मेड की मेड इन बात की जा रही है। अन्य देश भी हमारे देश से वैक्सीन खरीद रहे हैं, उसके भी MOU हो रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बड़ा काम हुआ है और सबसे पहले प्राथमिकता व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जिंदगी व्यक्तियों की बची रहे, वो प्राथमिकता देश के प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार ने दिया है माननीय मोदी जी को। और स्वास्थ्य विभाग के सभी सम्मानी जो कर्मचारी हैं जिन्होंने वैक्सीन सेंड कराया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हम सबने गोटेगांव में जो टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए गोटेगांव से कपिल नायक की रिपोर्ट। सब चीज चल रहा।